अभी आप सभी लोग लंच कर रहे हैं और उसके बाद अगर वैकेंसी वगैरह रहेगी तो वैकेंसी वगैरह सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। अभी हम गेट पे चलेंगे। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का हम ठीक सामने, ये रहा वीवो कंपनी है ना, एक तो ये भाई के पास भी वीवो का ही फ़ोन है। भाई वीवो कंपनी में काम कर रहे हैं तो भाई ये देखो वीवो का तो फ़ोन रहेगा ना। और दोस्तों अभी देख लो आप कार सामने ही है और भैया से हेलो रिव्यू ना, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देख रहे हैं इसरार टू। दोस्तों इस समय हम ग्रेटर नोएडा में जो वीवो कंपनी है उस वीवो कंपनी के ठीक सामने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये वीवो की बस भी आ गई है और यार इतनी भीड़, इतने लोग भाई साहब, हद है यार। ये तो सबसे बेहतरीन कंपनी इस समय। और जैसा कि मैं आपको सामने दिखा दिया है ये वीवो कंपनी, और ये वीवो कंपनी का बस भी आ गया, दिखा जूम करके आपको। ठीक है, अभी यहाँ से लोग उतर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं लोगों से भी पूछेंगे, मैं दिखा देता हूँ। अभी आप सभी लोग लंच कर रहे हैं और उसके बाद अगर वैकेंसी वगैरह रहेगी तो वैकेंसी वगैरह सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। अभी हम गेट पे चलेंगे। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का हम ठीक सामने, ये रहा वीवो कंपनी है ना, एक तो ये कंपनी है और एक ये कंपनी है। ठीक है, अभी हम उस साइड चलेंगे गेट पर। उसके बाद जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ गेट से भी लोग उतर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बस की भी सुविधा है ना। जहाँ से आप जैसे सूरजपुर सुफियाना या हल्द्वानी पुलिस यहाँ पे बस लगी होती है, तो जहाँ जहाँ कैंडिडेट रहते हैं, जहाँ जाके एम्प्लॉय रहते हैं ना, तो वहाँ से बस खड़ी हो जाती है। जब एम्प्लॉय बैठ जाते हैं सब जो भी ड्यूटी करने वाले हैं, उसके बाद फिर कंपनी लेके आती है, जैसा मैं आपको दिखा दूँ है ना। तो अभी लोगों से बातचीत करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। यार बहुत दूर है यार अपने घर से ना, ये बहुत दूर है, करीब 25 किलोमीटर है यहाँ पर, जहाँ रहते हैं वहाँ से 25 से 26 किलोमीटर है। और बस भाई साहब एसी वाली बस है, एक के बाद एक बस लगी हुई है। अभी लोग उतर रहे हैं और ओवरऑल व्यू की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वो भी सब बस ही हैं, वीवो की बस हैं। और बाकी यहाँ पर सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी, और हम अभी कंपनी की आपको सामने लेके चलेंगे और वहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाएंगे है ना। जैसे ये हमारे भाई हैं, दिलीप नाम है भाई का, कहाँ के रहने वाले हो साहब? आजमगढ़ के रहने वाले। यार हम भी तो उसी साइड के हैं यार, आजमगढ़ जौनपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से काम कर रहे हो भैया यहाँ पे? 3 साल हो गए। तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे थे कि या फिर ऐसे फॉर्म वगैरह ऑनलाइन? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कितना सैलरी वगैरह उठा लेते बड़े भाई? कितना सैलरी वगैरह कितना उठ जाता है इसमें? होता है जो भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए साहब कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 9 घंटे। क्या बनाता है कंपनी? वही मोबाइल ना। तो भैया से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, अभी हम लोगों से बातचीत करते हैं, दिखा दूँ। और ये सभी लोग आ रहे हैं अभी भाई, हमारे भाई, और एक बस और आ गई। हर 10-5 मिनट में दोस्तों बस आ गई। ये रहा सामने वीवो कंपनी, ये जो मोबाइल बनाती है वही वाली है ना भाई जो फ़ोन बनाती है? जी हाँ दोस्तों, भाई वीवो पसंद से ऐसे ही पूछ रहे थे भाई से। जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ, वो कंपनी है, मेन गेट वही रहा और वहीं से सभी लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ सभी लोग जा रहे हैं, दिखा दूँ आपको। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे ये वीवो का मेन गेट है और मैं आपको ऊपर से थोड़ा दिखाता हूँ। ये वीवो ही कंपनी है जो कि ग्रेटर नोएडा में की बात करें अगर, तो ये फ़ोन बनाती है कंपनी है ना, जो हमारे आपके पास जो वीवो का फ़ोन है फ़ोन बनाती है। मेरे पास भी वीवो का ही है, मैंने अभी वीवो रिसेंटली लिया था, हो गया 1 साल हो गया तकरीबन, वीवो V20 थे जब लॉन्च हुआ था। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड है ही नहीं, हर जगह चक्के चक्के पे जो कि गार्ड साहब लोग हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये और यहाँ पे सभी लोग अंदर जा रहे हैं। ये रहा कंपनी वीवो कंपनी, ये देख रहे हो दोस्तों ये वीवो का ही बस है सारी, और ये रहा कंपनी, ये सब वीवो का ही है। बहुत गजब की माइंड जो है, जब उस समय हम कंपनी के सामने है वीवो कंपनी, और यार यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी, इसलिए मुझे पुश करना पड़ेगा और इसको यहीं पे रूम देना पड़ेगा है ना। ये देखो
जो जा रही है ना बस है, ये वीवो की बस है दोस्तों। ये चारों तरफ जो बस लगी है वीवो कंपनी की बस। अभी लोगों से पूछताछ करते हैं वैकेंसी को लेकर, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है। और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसे वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको, है ना। दोस्तों जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ, मैं अभी गेट के सामने हूँ, वीवो कंपनी के ठीक सामने, है ना। और ये रहा आपका कंपनी वीवो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे गार्ड इतने हैं ना, कितनी सिक्योरिटी है भाई, कि आराम से वीडियो शूट हो नहीं पाएगा, है ना। इसलिए बड़े भाई मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, जो कि ये मेन गेट रहा। अभी लोग एंट्री कर रहे हैं, गार्ड साहब की तो बात आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये वीवो कंपनी है, वीवो कंपनी है ना भाई। तो आप यहीं काम करते हो क्या, कब से काम कर रहे हो? अरे भैया थोड़ी बातचीत करते हैं, कब से काम कर रहे हो दोस्त? बैठ के आराम से बात कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या नाम बड़े भैया आपका, क्या नाम है? अरे मैं यूट्यूबर हूँ बड़े भाई, मैं बस लोगों को शूट करता हूँ, लोगों से पूछता, जिससे जो नौकरी करने वाले हैं उनको थोड़ी हेल्प हो पाए, उनकी मदद हो पाए, है ना। बाकी और कोई बात नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? सलमान नाम है। कहाँ रहने वाले हो साहब? अलीगढ़ से। अच्छा अलीगढ़ से। कब से यहाँ पे वीवो में काम कर रहे हो भैया? 5 साल हो गए। 5 साल का तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे थे बड़े भाई, कैसे लगे थे? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। अच्छा कंपनी क्या बनाती है बड़े भैया? मोबाइल बनाती है। वही वीवो का मोबाइल ना, हमारे पास वीवो का मोबाइल है, साथ आपके पास वीवो का ही है क्या? ना दिखाना तो एक बार। बड़े भाई के पास भी वीवो का ही फ़ोन है। अब भाई वीवो कंपनी में काम कर रहे हैं तो भाई ये देखो वीवो का तो फ़ोन रहेगा ना। और दोस्तों भी देख लो आप, कार्ड साहब सामने ही है, और भैया से बातचीत करें काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा भाई क्या क्या सुविधा है कंपनी में, सुविधा की बात करें क्या क्या है भैया? बस है, कैंटीन है। अच्छा खाना आराम से बढ़िया मिल जाता है खाना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? सुबह चाय मिलती है। सुबह चाय मिलती है। अच्छा जो कि आराम से बैठ के काम है ना, कोई दिक्कत नहीं होता? हाँ बैठ के काम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और बात करें अगर, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया जब आप भर्ती हो रहे थे? हाई स्कूल इंटर और आई टी आई। कितना सैलरी उठ जाता बड़े भाई महीने का? इसमें 12,400 है। 12,400 रुपये ओटी लगता है, तो उसका पैसा मिलता है मालिक? ओटी लगता है, मिल जाता है उसका पैसा। चलिए कोई बात नहीं भैया, बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। और किसी भैया से बात करते हैं, जैसे कि भैया देखो ये भी वीवो की है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बट जो खुल के नहीं बात कर सकते ना दोस्त, हाँ ये गार्ड वगैरह है ना। एक्चुअली हम यूट्यूबर हैं ना, तो हम वीडियो बनाते हैं जिससे लोगों की मदद हो पाए, समझ रहे हो? बात करते हो? अरे नहीं नहीं मुझे पता है ना। जैसे कि अगर हम भैया की बात करें, तो जैसे कि हमारे सामने एक भैया हैं, इनका जो है कि इंटरव्यू वगैरह सब हो चुका है, और वीवो कंपनी के ठीक सामने ही है। और जैसा मैं आपको दिखा दूँ, अभी थोड़े भैया से बातचीत करेंगे और फिर आपसे बातचीत करेंगे, है ना। जैसे कि अभी आज इनका ज्वाइनिंग था, है ना, और अभी गार्ड साहब से हम बातचीत करते हैं वैकेंसी को लेकर, फिर आपसे हम मिलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और सही लग भी नहीं रहा वीवो शूट करना, वीडियो बनाना। और यहाँ पे देख पा रहे हैं यही कंपनी है वीवो कंपनी। तो दोस्तों इस समय हम वीवो कंपनी के ठीक सामने हैं, और सभी लोग अंदर जा चुके हैं, जो भी कर्मचारी है यहाँ के सभी लोग अंदर जा चुके हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी भर्ती चलने वाली है, और बहुत ही तगड़ी भर्ती चलेगी दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, कॉन्ट्रैक्टर भैया से हमारी बातचीत हुई है, अभी कुछ दिन पहले भर्ती चल रहा था, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। ये है वीवो कंपनी जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और वीवो कंपनी तो पता है, वीवो कंपनी जो मोबाइल बनाती है ग्रेटर नोएडा में, पूरा लोकेशन मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही जल्द जो है कि भर्ती चलने वाली है, ठीक है। अच्छा दोस्तों भर्ती चलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 2 उधर है, और मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये गेट नंबर 1 है, और यहाँ पर जो बसें लगी हुई हैं सारी देख पा रहे हैं, ये जो बसें लगी हुई हैं सब वीवो की बसें हैं, है ना, ये देख पा रहे हैं। और स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको दिखा दिया था, और वीवो कंपनी के हम ठीक सामने हैं, और ये मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बट हमने कहा आप लोग के लिए वीडियो तो बनाना है ना। तो दोस्तों जी मेरे भाई कहते हैं कि नोएडा में नौकरी नहीं है, तो मेरे भाई ऐसा बात नहीं है, नोएडा में इतनी नौकरियाँ हैं ना कि लोग करते करते थक जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं ख़त्म होगा यहाँ नोएडा की बात करें तो। मेरे भाई जो लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, बेरोज़गार हैं, वो यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में या हर एक वीडियो में मैं आपको जॉब के बारे में बताता हूँ। देखिए ये बात नहीं है कि जैसे आज मैंने वीडियो शूट डाल दी यूट्यूब पे, तो इसका मतलब ये कि पूरे महीने इस पे जो है कि वैकेंसियाँ चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। हर एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे किसी कंपनी में 2 दिन 4 दिन 5 दिन, किसी कंपनी में 1 हफ्ते, किसी दिन 10 दिन, और उसके बाद बंद हो जाती है। तो जो जिन भाई के पास मेरी वीडियो लेट से पहुँचती है, तो वो कहते हैं कि भैया अब तो भर्ती ख़त्म हो गई। तो भाई मेरी इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है ना।
तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो जो मेरे भाई वीवो में काम करना चाहते हैं वो अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो को देखा करें, क्योंकि जो मैं वीडियो लाता हूँ ना पूरी रियलिटी रहती है दोस्तों, फेक का एफ पी नहीं रहता हमारे चैनल पर। और जो लोग इसरार ऑफिशियल और इसरार टूजेट पर भरोसा करते हैं वो लोग तो जानते ही हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये सभी कर्मचारी भी अंदर जा चुके हैं और एकदम सन्नाटा पसर गया है रोड पर। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, और ये हमारे गार्ड साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और फिर भी मैं किस तरीके से शूट कर रहा हूँ। ये वीवो कंपनी है दोस्तों, बहुत बढ़िया कंपनी। ये तो गेट नंबर 2 है ना, जब गेट नंबर 1 पे जाएंगे ना, इतना बेहतरीन शानदार तरीके से बनाया गया है कि मैं क्या ही बताऊँ, है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बता दूँ कि जल्द ही इसमें वैकेंसी चलने वाली है, कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात हो चुकी है, और जैसे ही यहाँ पे भर्ती चलेगा वो मुझे कॉल करके यहाँ पे बुला लेगा और मैं कॉन्ट्रैक्टर का नंबर सहित वैकेंसी अभी बताऊँगा किस किस क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल। नई वीडियो में तब तक के लिए बाय।